हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने सिखाने जा रही हूँ। पिज़्ज़ा, उसके लिए हमें पहले पिज़्ज़ा डो की ज़रूरत पड़ेगी। पिज़्ज़ा डो के लिए मैंने लिया है 3/4 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा एंड 3/4 कप ऑफ व्हीट फ्लोर। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ऑल पर्पज़ फ्लोर भी ले सकते हैं, वो 1.5 कप होगा। इसको मैंने मिक्स करके एक साइड में रख दिया है। ये 1/2 कप ल्यू वार्म वाटर है, इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 1/2 टेबल स्पून ऑफ ड्राइड एक्टिव ईस्ट, 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद हम इन सारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं इनको इस तरीके से मिला देंगे, ताकि जो ये ईस्ट है, जो मैंने इसलिए ये दानेदार है, ताकि अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और इसका घोल या मिश्रण तैयार हो जाए। और इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, ढक के एक साइड पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट्स हो चुके हैं और 15 मिनट्स बाद हमारा ये जो एक्टिव ईस्ट का जो मिश्रण है, जो हमने तैयार किया था, ये तैयार हो चुका है। और अब हम इसके थ्रू जो हमने आटा लिया है उसको घोलना शुरू करेंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आटा जो है, हम जो चपाती का आटा बनाते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट होना चाहिए। तब तक घुसनते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉल के रूप में तैयार ना हो जाए। कि ये मैंने आटा उसन लिया है, आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉल सरीके का हो गया है। और हमें ऐसा ही डो चाहिए पिज्जा के लिए। अब हम इसको फर्मेंट होने के लिए या फूलने के लिए हम इसको लगभग 1 या 1.25 घंटे ढक के रख देंगे। चाहिए डबल हो जाएगा क्वांटिटी में। ये मैंने पिज्जा का इसको शेप दे दिया है, जो आटा था जो फर्मेंट हो गया था, और इसको मैंने तवे पे डाल दिया है। अब जो पिज्जा सॉस होती है वो पिज्जा सॉस मैं इसके ऊपर लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें सॉस फैला दी है, पिज्जा सॉस बनाने के लिए। आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ये सॉस बनाई हुई है। आप कोई भी मोजेला, चेडार, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मैंने चेडार चीज यूज किया है। पहले थोड़ा सा मैं चेडार चीज डाल रही हूँ इसके ऊपर। और ये मेरी टॉपिंग्स हैं। अब इसके बाद हम ऊपर से और चीज डाल देंगे, जिससे कि ये बेस पे अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। पिज्जा पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। मैंने ओवन में लगभग 9 या 10 मिनट के लिए इसको बेक किया है। पूरी तरीके से चीज मेल्ट हो चुका है। आप इसे ट्राई कीजिए।